बच्चों में विक्की सीएम एंड विक्की कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। मैं पढ़ाऊंगा आज आपको विश्व के मरुस्थल। बहुत खास क्वेश्चन है तो इन क्वेश्चनों का ध्यान रखोगे आप। तो आपको पता है ये एशिया है, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। तो शुरुआत करते हैं हम उत्तरी अमेरिका से। तो जो जो खास क्वेश्चन है और ये जो जो खास मरुस्थल है मैं उसको ही आपको बताऊंगा। तो ये आपका देश पड़ता है कनाडा और ये पड़ता है आपके यूएसए। क्लियर है? तो यूएसए और कनाडा की सीमा पे, तो यूएसए और कनाडा की सीमा पे मरुस्थल का नाम है सोनोरन, सोनोरन मरुस्थल। इंपोर्टेंट मरुस्थल है, कई बार क्वेश्चन आया कि सोनोरन मरुस्थल कहाँ है। तो कनाडा और यूएसए की सीमा पे है। कभी कभी कनाडा ऑप्शन में होगा, यूएसए ऑप्शन में नहीं होगा, और कभी कभी यूएसए ऑप्शन में होगा तो कनाडा ऑप्शन में नहीं होगा। तो एक मरुस्थल पड़ता है यूएसए में जिसको बोलते हैं मोजावे, मोजावे मरुस्थल। ये कहां भी है? आपके उत्तरी कैलिफोर्निया में, उत्तरी कैलिफोर्निया में, यानी कि पूर्णतः कहां भी है? आपके यूएसए में। क्लियर? तो कौन सा है? मोजावे मरुस्थल है। तो क्वेश्चन आता है कि मोजावे मरुस्थल कहां स्थित है, तो ऑप्शन में होगा आपके यूएसए, तो आंसर होगा। कभी कभी क्या होता है यूएसए नहीं डालता, वो कहता है कि मोजावे मरुस्थल कहां है, उत्तरी कैलिफोर्निया या दक्षिणी कैलिफोर्निया, तो आपका आंसर होगा उत्तरी कैलिफोर्निया के, और उत्तरी कैलिफोर्निया में कह सकते हो आप यूएसए में है ये। इस बात को लेकर तो आपको दो याद रखने यहां से। अब एक देश पड़ता है यहां पेरू, देश पड़ता है पेरू। तो पेरू में अगर ना सेचुरा, कौन सा मरुस्थल है? सेचुरा है। कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेचुरा मरुस्थल कहाँ है, तो पेरू में है। आपके एक देश पड़ता है यहां जिसका नाम है अर्जेंटीना, अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीना का मरुस्थल का नाम है पेंटागोनिया, कौन सा? पेंटागोनिया। और पेंटागोनिया मरुस्थल भी है, पेंटागोनिया पठार भी है अर्जेंटीना का। तो पेंटागोनिया मरुस्थल कई बार आया है, तो यहां से दो मरुस्थल हो गए और यहां से भी दो मरुस्थल हो गए जो खास है, जो हमें निश्चित रूप से याद करने ही करने हैं। अब बात करें किसकी? अफ्रीका की। तो यहां पे एक देश पड़ता है नामीबिया। यहां पे तीन देश पड़ते हैं, कौन कौन से है? नामीबिया, एक देश का नाम है नामीबिया, इसका नाम है बोत्सवाना, और निचले देश है, जो निचले देश है इसका नाम है दक्षिण अफ्रीका, देश का नाम है दक्षिण अफ्रीका। तो इन तीनों देश की सीमा पर एक मरुस्थल पड़ता है जिसको बोलते हैं कालाहारी, कालाहारी। तो मरुस्थल का नाम क्या है? कालाहारी। तो क्वेश्चन आता है कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, तो नामीबिया, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, तीन देश में फैला हुआ है। लेकिन कभी कभी क्या क्या क्वेश्चन आता है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, और ये दोनों ऑप्शन में नहीं होते। तो सबसे ज्यादा हिस्सा इसका बोत्सवाना में है, तो इसका आंसर बोत्सवाना, कई बार क्वेश्चन आया है। तो कालाहारी मरुस्थल कहाँ है, कई बार क्वेश्चन आया है, ऑप्शन में सिर्फ बोत्सवाना होता है। क्लियर? और मैं बता दूं एक मरुस्थल नामीबिया में भी है, कौन सा है? नामीब मरुस्थल, कौन सा है? नामीब मरुस्थल। तो ये नामीब मरुस्थल कहाँ है? ये नामीबिया में है, ये नामीब मरुस्थल पूरा नामीबिया में है, इस बात को आप ध्यान रखोगे। तो ये कालाहारी हो गया, अरे नामीब हो गया। तो कालाहारी तो तीन देश में है और ये नामीब मरुस्थल नामीबिया में है। क्लियर इस बात को लेकर? एक पड़ता है सहारा मरुस्थल, कौन सा पड़ता है? सहारा मरुस्थल। क्लियर है? तो सहारा मरुस्थल है ना 11 देश में है, किसमें है? 11 देश में है, और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन याद आ गया यहां से, एक चिली देश पड़ता है यहां, क्वेश्चन याद आ गया, देश का नाम है चिली। तो चिली में एक मरुस्थल है जिसका नाम है अटाकामा, अटाकामा, कौन सा मरुस्थल है? अटाकामा।
और ये विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? अटाकामा। अरे कहां पड़ता है भैया? ये पड़ता है आपके उत्तरी चिली में। कहां पड़ता है? उत्तरी चिली में, यानी चिली के उत्तरी हिस्से में, उत्तरी चिली में। क्लियर है? तो क्वेश्चन ध्यान में आता है यहां से कि अटाकामा मरुस्थल कहां है? उत्तरी चिली में, चिली के उत्तरी हिस्से में है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल है। और इस अटाकामा मरुस्थल में ही, और इस अटाकामा मरुस्थल में ही एक क्षेत्र है अरिका। मैं यहां लिख रहा हूं अटाकामा मरुस्थल में ही क्षेत्र है जिसका नाम है अरिका, जिसका नाम है अरिका। ये विश्व का, ये विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है। विश्व का सबसे क्या है? सूक्ष्म स्थान है। क्लियर? तो यहां से तीन हो गया, पेंटागोनिया, पेरू, अटाकामा। ये पूछ लेता है किस जगह है ये? उत्तरी, उत्तरी चिली में। सीधा पूछ लेगा किस जगह है? उत्तरी चिली में। उत्तरी चिली भी ध्यान रखो हो आप, ठीक है? और विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल बोलते हैं इसको, और इसके अंदर एक अरिका क्षेत्र है जो विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थान है। तो इतनी बात अभी क्लियर हो गई। तो मैं बात कर रहा था किसकी? मैं आपसे बात कर रहा था सहारा मरुस्थल की। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, और ये किस हिस्से में है भैया? ये अफ्रीका के मिडल, उसको भी ये अफ्रीका के उत्तर पूर्वी हिस्से में। किस जहां है? उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम हिस्से, सॉरी उत्तर पश्चिम हिस्से पर। क्लियर इस बात को लेकर? तो इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। और मैं बता दूं, एक क्वेश्चन एक बार आया कि एक पूरा पूरा अल्जीरिया पड़ता है यहां, जो अल्जीरिया है, जो अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया देश है, अल्जीरिया देश है, वो पूर्णतः पूर्णतः सहारा मरुस्थल में है। सहारा मरुस्थल में है, बात समझ में? और एक क्वेश्चन आता है कि देखो ये जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं, कौन से चट्टानी मरुस्थल? लेकिन चट्टान वाले मरुस्थल होते हैं, तो चट्टानी मरुस्थल होते हैं उसको सहारा क्षेत्र में, सहारा क्षेत्र में क्या कहते हैं? हम्मादा। क्या कहते हैं उसको? हम्मादा। एक क्वेश्चन आया हुआ है कि सहारा क्षेत्र के चट्टानी मरुस्थल क्या कहते हैं? हम्मादा कहते हैं। और जो भैया अल्जीरिया है, ये अल्जीरिया है, जो अल्जीरिया में जो कंकड़ पत्थर वाले मरुस्थल है, कंकड़ पत्थर वाले मरुस्थल है, उसको क्या कहते हैं? रेग। तो याद रखियो कि अल्जीरिया के कंकड़ पत्थर, जो अल्जीरिया देश है उसके अंदर कंकड़ पत्थर वाले मरुस्थल है, उसको क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। क्लियर? आपकी इतनी बात समझ में आगे होगी। अब मैं बात करता हूं स्मोर मरुस्थल है। तो अब यहां एक देश पड़ता है जिसका नाम है सूडान, जिसका नाम क्या है? आपके सूडान है। तो सूडान में कौन कौन सा मरुस्थल है? तो नूबियन मरुस्थल है, तो कौन सा? नूबियन मरुस्थल है। और दूसरा मरुस्थल है इसमें अल गैजीरा। ये सब अफ्रीका में पढ़ा रहा हूं मैं। तो सूडान में नूबियन मरुस्थल है, नूबियन और अल गैजीरा। एक देश पड़ता है सोमालिया, यहीं पे। कौन सा? सोमालिया देश पड़ता है, उसमें सोमालिया मरुस्थल है। कौन सा है? सोमालिया। तो क्वेश्चन कई बार आया हुआ है ये भी कि सोमालिया मरुस्थल कहाँ है? सोमालिया देश में है। क्लियर है? तो अफ्रीका के जितने मरुस्थल थे मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, आपकी बात समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे बात करने वाला हूं किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। किसकी? ऑस्ट्रेलिया की। तो इसके ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल बता रहा हूं आपको, यहां बता रहा हूं। तो ग्रेट विक्टोरिया ये मरुस्थल कहां है? ऑस्ट्रेलिया में है। क्लियर है? और ये दक्षिणी गोलार्ध का, ये दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा मरुस्थल है। दक्षिणी गोलार्ध का क्या सबसे बड़ा मरुस्थल है? सबसे बड़ा
मरुस्थल है, क्लियर है। और छोटे छोटे मरुस्थल कौन से ऑस्ट्रेलिया के, छोटे छोटे मरुस्थल कौन से है, ये हो गया आपका तनामी, गिब्सन, ग्रेट सैंडी, छोटे छोटे है, ग्रेट सैंडी पूछ लेता है, ग्रेट सैंडी हो गया, सिप्सन हो गया, क्लियर हो गया, अरुंटा हो गया, कौन सा अरुंटा हो गया, और आपके ग्रेट सैंडी हो गया, गिब्सन हो गया, तनामी हो गया, सिप्सन हो गया, अरुंटा हो गया, तनामी ऐसे लिखा भी, तनामी हो गया, क्लियर है। तो ये छोटे छोटे मरुस्थल है जो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के है, क्लियर। तो अभी बात हो गई आपकी ऑस्ट्रेलिया की, अब बात कर रहा हूं मैं किसकी भैया, अब बात करें किसकी, अब बात करेंगे आपसे एशिया की, किसकी बात करेंगे भैया आपसे, एशिया की। और मैं आपको बता दूं क्वेश्चन कि यूरोप में एक मरुस्थल नहीं है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, यूरोप में एक भी मरुस्थल नहीं है, मरुस्थल नहीं है। ये क्वेश्चन कई बार आया कि कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक मरुस्थल नहीं है, तो आपका आंसर होगा यूरोप। और मरुस्थल हमेशा, मरुस्थल हमेशा पश्चिमी हिस्से पाए जाते हैं, किसमें, पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, पश्चिमी हिस्से में पाए जाते हैं, क्लियर है। यानी कि कोई भी अगर देश है या कोई भी जो देश है उसके पश्चिमी हिस्से पाया जाएगा मरुस्थल, कभी पूर्व हिस्से में पाए जाएंगे, ठीक है, या कोई भी महाद्वीप उसके पश्चिमी हिस्से पाए जाते हैं, कोई एक अतर केस हो जाता है जो पूर्वी हिस्से पाए जाते हैं, अन्य पश्चिमी हिस्से पाए जाते हैं, तो मरुस्थल हमेशा पश्चिमी हिस्से पर पाए जाते हैं, इस बात को भी आप ध्यान रखोगे, बताऊंगा आपको क्यों पाए जाते हैं कभी। तो बात करें किसके भैया, एशिया की बात किस करें भैया, एशिया की बात कर रहा हूं आप समय। तो यहां पड़ता है आपके सऊदी अरब, एक मरुस्थल है, यहां कौन देश पड़ता है, यहां पड़ता है आपके सऊदी अरब, एक मरुस्थल है यहां रब अल खाली, रब अल खाली, ये मरुस्थल आपके सऊदी अरब में, कहां है आपके सऊदी अरब में, ये सब बात ऐसे कर रहा हूं मैं, क्लियर है। अब यहां पड़ता है आपके ईरान और इराक, तो दो मरुस्थल बता रहा हूं किसके, ईरान के, कौन कौन से, ये ईरान के है दो मरुस्थल, कौन कौन से है, दस्त ए लुप्त, दस्त ए लुप्त और दस्त ए मार, दस्त ए काबिर, दस्त ए काबिर, तो दस्त ए लुप्त, दस्त ए काबिर, ये किसके अभी आपके ईरान के है, क्या इस बात को लेकर। तो ये दो जो मरुस्थल है दस्त ए लुप्त, दस्त ए काबिर, किसके है, ये ईरान के है, बस मैं, एक थार मरुस्थल है, थार ये कहां है भैया, ये भारत प्लस पाकिस्तान की सीमा पे है, पाकिस्तान की सीमा पे है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है, तो सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है भैया आपका, तो सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है आपका थार, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल कौन सा है आपका, थार है। अगर आपसे क्वेश्चन कह दे कि दक्षिण एशिया का, ये दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कहाँ है, सॉरी दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, तो दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा हो गया, दक्षिण एशिया की बात कर रहा हूं, एशिया सबसे बड़ा मरुस्थल तो आपके गोबी मरुस्थल रहता है, तो भारत और पाकिस्तान की सीमा पे है, सबसे अधिक आबादी वाला मरुस्थल है, दक्षिण एशिया सबसे बड़ा मरुस्थल है, कौन सा थार। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है भारत के किस हिस्से पे है, भारत के किस हिस्से पे है, तो ये उत्तरी पश्चिमी हिस्से पे है, ये भारत के उत्तरी पश्चिमी हिस्से पर है, पश्चिमी हिस्से पर है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो ये भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल भी है, भारत का
सबसे बड़ा मरुस्थल है। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, क्लियर। अब बात करें किसकी, भैया थार हो गया आपका, एक होता है तकला मकान, यहां देश पड़ता है चीन, तो चीन में मरुस्थल जिसका नाम है तकला मकान। तो क्वेश्चन आता है कि तकला मकान मरुस्थल कहां है, चीन में, और चीन में भी कहां है, पश्चिमी चीन में, चीन में भी कहां है, पश्चिमी चीन में, क्लियर है। तकला मकान मरुस्थल कहां है, चीन में, कहां है वो भी, पश्चिमी चीन में, क्लियर। अब मैं बता दूं एक मरुस्थल पड़ता है गोबी, मरुस्थल का नाम क्या है, गोबी मरुस्थल है, ये मंगोलिया प्लस चीन की सीमा पे है, मंगोलिया प्लस चीन की सीमा पे है, और ये एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है, क्लियर है। एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, गोबी है, और कह सकते हो विश्व का सबसे शीत मरुस्थल, विश्व का सबसे शीत मरुस्थल है, क्लियर इस बात को लेकर। तो आपकी इतनी बात समझ में आ गई होगी। अच्छा कभी कभी क्वेश्चन आता है गोबी मरुस्थल कहाँ है, तो चीन ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर मंगोलिया लगा दोगे आप, एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है और विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है, क्लियर है। एक है अफगानिस्तान में, तो बात करेंगे अफगानिस्तान, यहां पड़ता है अफगानिस्तान आपका, अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में सबसे इंपॉर्टेंट है दस्त ए मार्गो, दस्त ए मार्गो मरुस्थल कहां है अफगानिस्तान में, और एक मरुस्थल है जिसका नाम है रेगिस्तान, कौन सा भैया, रेगिस्तान मरुस्थल। तो रेगिस्तान मरुस्थल और दस्ते मार्गो कहां है आपके, अफगानिस्तान में है। बात करें किसकी, तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान की, तुर्कमेनिस्तान में काराकुम, कौन सा है, काराकुम मरुस्थल है, काराकुम मरुस्थल है। इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, तुर्कमेनिस्तान में कौन सा है, काराकुम मरुस्थल है। अब बात करें एक मरुस्थल है जिसको बोलते हैं आप, ये आपके कजाकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान प्लस उज्बेकिस्तान की सीमा पे है, एक मरुस्थल है कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में, इसको बोलते हैं कालीजकुम, कालीजकुम, क्लियर है, कालीजकुम मरुस्थल है। इतनी बात आपको समझ में आ गया, क्लियर। तो ये कौन सा मरुस्थल है, कालीजकुम मरुस्थल है, और कोई मरुस्थल। तो बच्चों ये जितने मरुस्थल है मैंने आपको बता दिए, जैसे मैंने बताया है इस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मैंने कोई मरुस्थल आपका छोड़ा नहीं है, तो आपको इन बात का भी ध्यान रखना है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।